हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काशी तमिल संगमम के बारे में जानेंगे। तो काशी तमिल संगमम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक हो रहा है। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों जैसे संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि काशी को मोक्ष की नगरी कहते हैं, इसलिए देश दुनिया के लोग इस स्थान पर एक बार जरूर आना चाहते हैं। लोग भगवान शिव की नगरी के साथ ज्ञान और अध्यात्म की जुड़ाव महसूस करते हैं। वाराणसी के साथ तमिलनाडु का ऐसा ही रिश्ता है। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान और प्राचीन सभ्यागत संबंधों को तलाशने के लिए केंद्र सरकार काशी तमिल संगमम का आयोजन कर रही है। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों का जश्न मनाना है तथा उत्तर और दक्षिण के ज्ञान और संस्कृति परंपराओं को करीब लाना है, यानी कि एक दूसरे की संस्कृति, बोली, भाषा का आदान प्रदान करना है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो समकालीन ज्ञान प्रणालियों के साथ भारतीय ज्ञान प्रणालियों को समृद्धि के सामंजस्य पर जोर देती है। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों से लगभग 2500 छात्र हिस्सा लेंगे। एक महीने के अंदर छात्रों का 12 समूह बनारस का यात्रा करेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दो एजेंसियां IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं।